गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर, जिसमें सबसे पहले हम इस पार्ट से शुरू करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है पेडिसल, जिसे हम स्टॉक भी कहते हैं। इसे जस्ट ऊपर चलते हैं तो हमारे पास आता है थैलेमस वाला पार्ट, जिसे हम रिसेप्टिकल भी कहते हैं। नेक्स्ट ऊपर गए तो सेपल्स वाला पार्ट, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कैलिक्स कहते हैं। इससे ऊपर वाले पार्ट पे हम जाते हैं तो जिसे हम पेटल्स कहते हैं, उसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोरोला कहते हैं। नेक्स्ट जब हम इससे ऊपर गए तो ये हमारा एंड्रोशियम वाला पार्ट आ गया, जिसे हम स्टैमन भी कहते हैं। इसके बाद हमारा ये गाइनोशियम वाला पार्ट आ गया, जिसे हम कार्पेल और पिस्टिल कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोशियम में, तो एंड्रोशियम में हमारे पास ये आता है एंथर, ये आता है फिलामेंट। और जब हम गाइनोशियम की बात करते हैं तो ये हमारा स्टिग्मा आता है, ये स्टाइल एक ट्यूब लाइक पोर्शन होता है। इसके बाद हमारा ये ओवरी होता है, और ये जो ओवेरियन चैम्बर्स होते हैं, ये इसे हम ओवेरियन लोक्यूल्स भी कह लेते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे पास दो टाइप के हॉल्स होते हैं गाइस, असेंशियल हॉल और नॉन असेंशियल हॉल। असेंशियल जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, लाइक गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम। और नॉन असेंशियल हॉल जो कि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में असेंशियल नहीं होते हैं, जिसे हम कहते हैं कैलिक्स एंड कोरोला। नेक्स्ट हम चलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से गाइस। तो हम स्टैमन की बात करते हैं तो स्टैमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। इसमें ये टिपिकल स्ट्रक्चर है एंथर का, जो कि ये एंथर और ये फिलामेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टैमन को हम माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। और एक टिपिकल स्टैमन में गाइस दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है एंथर और फिलामेंट, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। एंथर एक टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंट एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका प्रॉक्सिमल एंड जो नीचे वाला एंड होता है गाइस, वो अटैच्ड होता है थैलेमस और पेटल से। हर एंथर जनरली बाइलोब्ड होता है एंड टू एंथर लोब्स आर अटैच्ड विद ईच अदर थ्रू कनेक्टिव। गाइस जो ये दो एंथर लोब इस तरह कनेक्ट होते हैं, तो ये कनेक्टिव, ये जो स्ट्रक्चर होता है बीच में, इसे हम कनेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ईच लोब ऑफ एंथर इज टू चैम्बर्स विच आर कॉल्ड पोलन सैक और थीका, सो इट इज कॉल्ड डाइथीकस। और हर लोब में, एंथर का जो एक लोब होता है, इसके अंदर दो पोलन सैक होते हैं, जिसे हम इसीलिए हम इसे डाइथीकस भी कहते हैं। पोलन सैक को हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। सो टिपिकल एंथर इज कॉल्ड टेट्रास्पोरेंजिया, क्योंकि इसमें दो इधर होंगे पोलन सैक और दो इधर होंगे, तो ये टेट्रास्पोरेंजिया हो जाता है। पोलन मदर सेल्स फॉर्म पोलन ग्रेन्स थ्रू मियोटिक डिवीजन इनसाइड पोलन सैक, और इन पोलन सैक के अंदर मियोटिक डिवीजन से पोलन ग्रेन्स होता है, पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। बट गाइस इसमें एक एक्सेप्शन आता है, लाइक जो कैप्सुला प्लांट होता है उसमें एंथर डायथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, बट जो मालवेसी होता है लाइक मोरिंजा एंड वॉल्फिया, उसके एंथर्स मोनोथीकस एंड बाइस्पोरेंजिएट होते हैं।